नमस्कार, आप देख रहे हैं KYNPost.com। शुक्रवार शाम को रिप्ड जीन्स कंट्रोवर्सी को लेकर सीएम रावत ने विवाद को बढ़ता देख माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि मेरा बयान संस्कारों के परिपेक्ष में था और मैं एक सामान्य ग्रामीण परिवेश से आता हूं। किसी का दिल दुखा हो तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। इससे पहले उत्तराखंड के नवनिर्वाचित सीएम तीरथ सिंह रावत के बयान के बाद बनी कंट्रोवर्सी से गुरुवार को सोशल मीडिया पर हैशटैग रिप्ड जीन्स छाया रहा। इंटरनेट पर इस ट्रेंड में सेलिब्रिटीज से लेकर इन्फ्लुएंसर्स तक भी पीछे नहीं रहे और कई यूजर्स ने उनके इस बयान को बेतुका बताया और पहनावे को लेकर आजादी की बात उठाई। तो वहीं सीएम रावत के इस विवादित बयान पर कई महिलाओं ने रिप्ड जीन्स के साथ अपनी फोटोज अपलोड की। इस मामले को लेकर विपक्ष के नेता भी पीछे नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को बनाते हुए ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें पूरी बीजेपी पार्टी और आरएसएस को मिसोजिनिस्ट बता दिया। इधर शिवसेना नेत्री प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने बयान में इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि हर बार महिलाओं के पहनावे पर ही टीका टिप्पणी की जाती है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सीएम रावत को उत्तराखंड के विकास पर ध्यान देना चाहिए और किसे क्या पहनना है ये वह लोगों पर छोड़ दें। उत्तराखंड सीएम रावत ने महिलाओं के रिप्ड जीन्स को संस्कार और समाज से जोड़ते हुए यह बयान एक वर्कशॉप के दौरान दिया था जिसे कुछ यूजर्स ने सपोर्ट भी किया है। KYNPost.com की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।